तो देखिए दोस्तों, ये जो क्यारी है इसमें तो खाने लायक पालक रेडी हो गया है। तो जैसे ये ख़त्म होगा, ये हमारा छोटा छोटा पालक देख सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा छोटा पालक है, तो ये भी 15 से 20 दिन में ये भी रेडी हो जाएगा। तो ऐसे होता है पालक का खेती। नरम नरम पत्ता को हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और ये जो टुकड़ा है इसी में डालेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे फांसुल से। पालक बारीक काट लिए हैं और इसे धो लेंगे और डाल लिए हैं अरहर का 100 ग्राम और 100 ग्राम मसूर का। तो ये मैं अंदाजे से ली हूँ दाल। अच्छा से दाल को साफ कर रहे हैं। जितना आपको आवश्यकता हो उतना ही दाल बनाएं। दाल को धो लेंगे। डूबते हुए पानी में धोएंगे 2 बार कम से कम। जैसे कि इसमें मिट्टी नहीं है तो 2 बार, और नहीं तो ज़्यादा मिट्टी हो तो 4 बार। हांडी में डालते जाएंगे। पालक का दाल हम हांडी में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। दाल भी इसमें डाल देंगे। दाल में 1 लीटर पानी डाल देंगे। पालक वाला मसाला दाल बनेगा ये। तो देखिए, हम लिए हैं हरा मिर्च 5-7, 1 चम्मच जीरा और ये लहसुन की कलियाँ। अब इसे पीस लेते हैं सिलबट्टा पे। देखिए मसाला को हम डाल दिए हैं, तो दही वाली आ गई है। पहले दही ले लेते हैं। दही ले लेते हैं। हम वही लोग मांगो ना तो का हमारे घर कल दही दे तो देखिए अंदाजे से दही देंगे हमको 1 केजी। और ये देख सकते हैं दही जमाए के तरीका हमारा बताया के बाद लोग के हैं। कब जमा में नहीं रहुआ जैसे देर लगाती हम दही में ऐसा आप कतना देर भोज तरह वही ना उन्हें लोग खोज तला देवी तो हाँ मैया तो हाँ। ये देखिए इसका छाली, अब बहुत कम पतला हो जमल बा। अब गर्मी आ गई तो छाली हला दी। पैसा दे पैसा पैसा कितना पैसा चाहिए ही कितना मैंने 50 50 रुपया काहे खाती हो दहिया के हो दहिया के मिल जाई हो जल्दी पढ़ा अभी अभी ना तो मार खाई थे पैसा मिल जाई हो देख सकते हैं दोस्तों कितना गाढ़ा दही है। ये तरीका मैं बताऊंगी आपको कि कैसे जमाती हैं वो। दही तो ले लिए दोस्तों, से पहले हम मसाला पीस लेते हैं। अब कैसे कि लेट हो रहा है, बाबूजी का नाश्ता है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच, थोड़ा सा मैं और डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं। पालक ज़्यादा दिख रहा है लेकिन गलने के बाद कम हो जाएगा।
या तो जब दाल बन जाए गलने लगे उसके बाद डालें, आपको पता ना लगे तो। अब हांडी को खुला ही छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आए। देखिए हम दाल वाला हांडी के ऊपर पानी रख दिए थे, वो गर्म हो गया है। अगर हमारा दाल में पानी कम होगा तो डालेंगे, तो पहले उतार के चेक करते हैं। तो देखिए दाल हमारा ये पक चुका है, अब दाल घोटी से घोट देंगे। इधर साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, एक चम्मच। अब दाल में तड़का लगा देंगे। अब दाल रोटी सब्जी देते हैं खाने के लिए अपने सासू माँ को। ना